तो गाइस बारिश में पूरे भीग चुके हैं एंड बस आ चुकी है रेलवे स्टेशन बाग। तो गाइस मैं तोड़ूंगा फ्लावर। तो गाइस हमने तोड़ लिया है कमल। तो गाइस ये है खेती एंड ये पानी के बहाव के साथ आगे आगे चलती है। तो गाइस अभी देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ बोट के, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है ये। अरे वो भिड़ गया, एक्सीडेंट हो गया भैया, एक्सीडेंट हो गया भैया तुम्हारा। अरे ये देखो बादल बोटिंग कर रहा है, अंकल की हेल्प कर रहा है, शंकराचार्य का मंदिर और वहाँ पे किसने सॉन्ग गाया था, राजेश खन्ना का, जय राजेश खन्ना लगे कंकर। फोटो ये फोटो वाला आया भैया, ये भी कुछ कमाएगा आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज फिर से हम घूमने जा रहे हैं। तो कैसे हो आप सब, होप कि आप सब अच्छे हो एंड स्वागत है मेरे एक और अच्छे से व्लॉग में। एंड रेडी होकर आपको सीधा मिलते हैं मामा मामी के पास। तो आज जा रहे हैं हम शिवकारे एंड बैक साइड देखो, ये रहे अपने मामा मामू। हेलो मामा। हेलो 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 हेलो। तो चलते हैं मामू हम। ओके बिलाल भैया, तो गाइस सबको कर दिया हमने बाय बाय एंड आज जाना है शिवकारे। भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है एंड वहाँ पर जो जो अच्छी चीज़ होगी जो भी होगा मतलब आपको दिखाई दूंगा, उसकी टेंशन मत लो आप। एंड अभी हो रहे हम लेट रेलगाड़ी के लिए, तो गाइस जल्दी जाना है हमें। मैं तो पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन एंड सिस्टर वगैरह पीछे आ रहे हैं सागर। आज हम तीन ही है एंड तीनों ही घूमने जा रहे हैं। आज कोई साथ इसलिए नहीं है क्योंकि यार किसी के पास टाइम नहीं होता। एंड रेलवे स्टेशन देखो एंड व्यू देखो। रेलगाड़ी में मैं बैठ चुका हूँ एंड बाहर जो मौसम है इस टाइम है मतलब बारिश का मौसम है एंड देखो। बहुत ठंडा मौसम है एंड हम कुछ पहन कर भी नहीं आए एंड मैं अभी हूँ कुर्ते पजामे में, पूरा पेयर पहन रखा मैंने, दिख ही रहा होगा आपको। एंड अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा श्रीनगर के लिए। तो गाइस जस्ट अभी उतरे हैं ट्रेन से एंड ये है श्रीनगर का स्टेशन। एंड अब जो इधर की टैक्सी है सुमो, मतलब टैक्सी होती है बट इधर के लोग सुमो बोलते हैं उसको, तो अभी उसमें बैठेंगे एंड चलते हैं शिवकारिया के लिए। फिलहाल तो पता नहीं है यार क्योंकि आज कोई गाइडर नहीं है, कोई भाई नहीं है साथ में, तो सिस्टर मैं मिस हो गया था इस बिल्कुल खाते। तो गाइस बड़ी देर के बाद हमें टैक्सी मिली, काफ़ी देर हम पैदल चले उसके बाद हम इसमें बैठे। तो अभी हम बोटिंग में बैठेंगे एंड बोटिंग में डल घूमेंगे। तो भैया आप पूरा घुमाओगे हमें? हां पूरा घुमाएगा भैया। और कहां कौन सी जगह आएगी और क्या क्या आएगा? लोटस लेक, गोल्डन लेक और उसके बाद आएगा नेहरू पार्क आएगा और आएगा गुल फार्म लेक आएगा और फ्लोटिंग गार्डन आएगा, मार्केट आएगा, मीना बाजार। अच्छा और तो ये हो रही है हमारी एंट्री एंड यहाँ पर बैठेंगे। तो गाइस देखो कितना कितनी प्यारी बोट है। सागर भी ये रहा, सागर इधर आ। तो गाइस अब ये हाथ से चलाएंगे, ये निकल चुके हैं पानी। पर्दे खोल दो देखो नीचे पानी। तो रक्षा क्या कहना है इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। भैया को तैरना भी आता होगा? सच्ची बताओ ना। गेट नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो बादल बोटिंग कर रहा है, अंकल की हेल्प कर रहा है, अंकल भी बहुत अच्छे हैं। बादल धीरे चला थोड़ा, बारिश होने वाली है। शंकराचार्य मंदिर, वो है शंकराचार्य का मंदिर और वहाँ पे किसने सॉन्ग गाया था, राजेश के पहला तेरे नाम का पिया। मैं भी सुनती हूँ अंकल। अभी हमने लिए हैं खाने के लिए कुछ चिप्स वगैरह। तो शॉप वो रही देखो, पानी में ही शॉप थी एंड पानी से उतर कर लेना पड़ता है, एक बोट है सीढ़ी की तरह यूज़ करते हैं। एंड ये सारे रेस्टोरेंट हैं जो हाउस बोट होते रहने के लिए रेस्टोरेंट, वो भी पानी में।
एंड ये देखो कॉफी की मार्केट, मतलब सभी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। बोल यार, अरे वो भिड़ गया, एक्सीडेंट हो गया भैया, एक्सीडेंट हो गया भैया तुम्हारा। अरे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। नहीं नहीं, आपको बैलेंस बना के दे रहा हूँ, अभी भैया का एक्सीडेंट हो गया था उन चट्टानों में। सब क्या है? अच्छा, एक बोट का है, रूम का है, एक कमरे का। तो ये आ गया है गोल्डन लेक। तो गाइस अकबर फोल्ड है, ये अकबर का किला है ये, तो देख सकते हो कितना प्यारा है। एंड जूम नहीं कर सकता, वो रहा देखो, वो फ्लैग दिख रहा है उधर है, काफी दूर है, बट आप जूम करके देखो सारे रेस्टोरेंट है, वो भी वाटर में है। तो ये यहाँ के मुखिया है, हमारे बोटिंग वाले अंकल बता रहे हैं। तो गाइज इधर की एम्बुलेंस भी है, देखो वो रही एम्बुलेंस। यहाँ पर शूटिंग वाला प्लेस है, सिटी वाला प्लेस। आरजू जब जब मिलो सकीना, दो गजल सब शूटिंग यहीं पर था। तो यहीं पे शूट हुई थी आरजू का सॉन्ग जो भी है, आरजू शूट हुई थी यहाँ पर। छोटे बच्चे क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वगैरह खेलते हैं इधर बर्फ में, तो ये पानी पूरा जम जाता है, ये बन जाता है ग्लेशियर बिल्कुल। तो इसके ऊपर बैट बॉल शीशा ही बन जाता है ये, एक तरह का बर्फ से। एंड इसके ऊपर खेलते हैं फुटबॉल वगैरह बच्चे खेलते हैं। एंड बारिश हो रही है, यही सबसे बड़ा घाटा हुआ यार अपना घूमने का। तो इधर की ये सबसे बड़ी बोट है, तो इसको बोलते हैं मीना महल, ये हाउस बोट है जो इधर की सबसे बड़ी बोट। ये गुलफाम लेक, गुलफाम अजय सैनी का शूटिंग हुआ था बोट में। अच्छा, आगे वो बोट में दिखाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इधर की सबसे बड़ी बोट सही है, सबसे बड़ी भी बोट है एंड सबसे अच्छी बोट भी है, ये है गुल्फा लेक। तो आपको पोस्ट ऑफिस दिखाता हूँ, वो वाइट बोट है, वो पानी में है, बोट है एंड वो डाकखाना है। गाइस मज़ा तो बहुत आता, बट यहाँ पर यार बारिश आ गई है, तो यार बारिश से सारा मूड ऑफ हो चुका है। तो गाइस अभी आया है नेहरू पार्क, तो ये हमारे नेहरू जी का पार्क, हमारे चचा नेहरू। तो गाइस ठंडा मौसम हो चुका है, बिल्कुल ठंडा, एंड ठंड तो लग नहीं रही है, जब पानी में थे तो बारिश हो रही थी एंड फिर थोड़ी थोड़ी ठंड लगी थी। एंड ये दरिया का बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे हैं हम, अब देख ही रहे हो जितने भी बोटिंग पे, मतलब जो भी बोटिंग पर घूम रहा है इधर दरिया में, वो सभी इधर जाते हैं एंड फोटो वगैरह शूट करते हैं। एंड गाइस वहाँ पर देखो वो माउंटेन काफ़ी बड़ा है एंड उसके ऊपर बादल आ चुके हैं, बिल्कुल ढक गया है ये, क्लियरली दिखते हैं। जब मैं इधर आया था ना फर्स्ट टाइम, तो ये बिल्कुल क्लियरली दिखती है माउंटेन। एंड अब देखो क्लाउड से पूरे ढक चुके हैं, मिडल ऑफ द लेक आ गया यहाँ से देखो। गाइस अभी देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ बोट के, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है ये देखो, बिल्कुल छोटा सा। एंड बोट में सारे अंदर बैठे हैं, सारे मस्ती ले रहे हैं। एंड व्यूज देखो, ये री फिर से बोट, यहाँ पर फोटो शूट हो रहे हैं। बहुत ठंड है यहाँ पर यार, ठंड बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही है। हम कुछ खाने के लिए यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर हैं, हम रुके हैं एंड यहाँ पर वो चलाएंगे, अभी नहीं बाद में चलाएंगे, कल शिवकारी आएंगे। एंड देखो कहाँ पर रुके हुए हैं इस टाइम हम, बिल्कुल बीच में। एंड ये अंकल चाय वगैरह आप नहीं पियोगे? वो कौन सा होटल है? होटल संतूर, वहाँ पे होटल संतूर वहाँ पर है। देखो बादल की हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए वर्ड ही पूरा चेंज कर देता है। तो गाइस ये है खेती एंड ये पानी के बहाव के साथ आगे आगे चलती है, ऐसा ही है, फ्लोटिंग लैंड बोलते हैं इसको। एंड पानी के बहाव के साथ ये आगे आगे बढ़ती रहती है। इधर इस टाइप से कुछ घूमते हैं एंड खाने वाने का सामान इसी में मिल जाता है बोट में। अंकल मार्केट
यहाँ से मीना बाजार वाटर में है ये। यहाँ पर सस्ता मिलता है शाल सूट जैकेट सब सस्ता। ये सीआरपी कैंप एंड ये आर्मी वालों की बोट्स है। तो ये सारे मीना मार्केट है। अभी अभी मार्केट यहाँ पे है देखो। अरे बाजार जो भी है पता नहीं मुझे क्या है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। चीजें तो बहुत अच्छी अच्छी है यहाँ पे बट बारिश हो रही है। तो गाइस फिर से बारिश आ चुकी है। तो हम गीले हो रहे हैं। इनकी छत बहुत छोटी है एंड अंकल भी क्लोज आ चुके हैं क्योंकि सब्जी। तो यहाँ पे सब्जी बाजार भी देखो आप। दे कम्बल तो लिया नहीं। कम्बल तो ये आ गया मीना बाजार का जो मेन पॉइंट है ये वो है। तो गाइस अभी आप देखो शिव कार्य मंदिर जो है उस पे क्लाउड कैसे आ चुके हैं बिल्कुल ढक चुका है। तो गाइस मैं तोड़ूंगा फ्लावर। तो यहाँ पर आ गए हैं फ्लावर्स। ये है कमल। तो गाइस हमने तोड़ लिया है कमल। तो तोड़ लिए फ्लावर बोट से उतर चुके हैं एंड ये रे अंकल करते हैं इनको बाय बाय। ओके अंकल आएंगे नेक्स्ट टाइम। ये है न्यू जॉनी। कभी आओ तो न्यू जॉनी पे ही आना एंड बजट प्राइस लगेगा इस पे। एंड ये अपने फ्लावर्स ले लिए मैंने। तो गाइस अभी खा रहे हैं खाना। तो गाइस बारिश में पूरे भीग चुके हैं एंड बस आ चुकी है रेलवे स्टेशन भाग। तो गाइस आ चुके हैं हम डल से जहाँ घूमने गए थे एंड अब जा रहे हैं घर। आपको देखा ही था यार बस हमने भाग कर पकड़ी थी एंड आ चुकी है हमारी रेलगाड़ी। इस टाइम हम स्टेशन पे एंड भीड़ देखो कितनी है। एंड आज आपने देखा यार आज जो भी दरिया थी जितनी बड़ी थी हमने सारी घूमी एंड जो जो जगह थी एंड काफ़ी मूवी शूट हो रखी है वहाँ पर। एंड जो बोट वाले अंकल थे वो भी बहुत मस्ती ले रहे थे यार। मतलब सही हमें एंजॉय दिलाया बोट में। थोड़ा सा भी बोर नहीं हुए बिकॉज यार बारिश हो गई थी। बारिश की वजह से यार थोड़ा मूड ऑफ हो गया था सबका। रुकी फिर बारिश होगी फिर उसके बाद रुकी नहीं बट हम बोट में थे एंड हमने सारा दरिया घूम ही लिया था। एंड गाइस व्लॉग देख ही लिया होगा कितना अच्छा व्लॉग है ना मस्त व्लॉग है। एंड आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और जो चैनल पे नया सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं ऐसे एक अच्छे से व्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय टेक केयर।